हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सदी के यानी 21वीं सदी के सबसे नए देश के बारे में। एक ऐसा देश जो पूरी तरह से देशों से घिरा हुआ है। ये एक युवाओं का देश है जिसमें औसत उम्र 30 साल है। इस देश को गुफाओं का देश भी कहा जाता है, जिनमें से ज्यादातर गुफाएं चूना पत्थर की है। एक ऐसा देश जहाँ जगत जननी मदर टेरेसा पली बड़ी है। इस देश के लोग रेड टी के बहुत ही शौकीन होते हैं। अगर कोई पीने के शौकीन है तो बता दे कि दुनिया का सबसे बढ़िया वाइन यही मिलेगा। एक ऐसा देश जहां के लोगों को आंख मारने की बीमारी है। आज जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो एक मुस्लिम बहुल देश है, फिर भी यहां की महिलाओं को जो आजादी मिली है वो और कहीं नहीं मिली है। एक ऐसा देश जहां आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली मिलेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न यूरोप में स्थित कोसोवो देश के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं सबसे खूबसूरत देश कोसोवो के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का पूरा नाम, जो कि रिपब्लिक ऑफ कोसोवो है, साउथ ईस्टर्न यूरोप में स्थित एक देश की कुल जनसंख्या करीब 19 लाख के आसपास है। देश के आधे से भी ज्यादा नागरिक गांव इलाके में रहते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि कोसोवो में कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। यहाँ के ज्यादातर नागरिक मुस्लिम हैं। ये मुस्लिम बहुल देश होते हुए भी एक धर्म निरपेक्ष देश है। देश में धर्म के हिसाब से किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। यहाँ की महिलाएं मामूली कपड़े पहनते हैं जैसे कि हिजाब, मगर इन महिलाओं में वेस्टर्न कपड़े पहनने का भी चलन है। ये यहाँ की बहुत बड़ी खास बात है, क्योंकि जिस देश में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है वहाँ की महिलाओं को इतनी ज्यादा आजादी मिलना बहुत ही कम देखने को मिलता है। खैर, ये अच्छी बात है इस देश की। कोसोवो के पड़ोसी देश की बात की जाए तो ये एक लैंडलॉक देश है, यानी इस देश की जमीनें चारों तरफ से अलग अलग देशों से जुड़ी हुई हैं। दक्षिण में मैसेडोनिया, पश्चिम में अल्बेनिया और उत्तर पश्चिम में मोंटेनेग्रो मिलती है। दोस्तों, कोसोवो देश बहुत ही हरा भरा है, जहां आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां का 40% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस जंगल में कोई भी खतरनाक जानवर नहीं पाए जाते हैं। यहां आपको बंदर, हिरन, जंगली बैल, खरगोश, लोमड़ी जैसे जीव देखने को मिलेंगे। कोसोवो के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास बहुत ही अलग रहा है। इस देश ने बहुत बुरा वक्त देखा है और खुद को बचाने के लिए कई जंग लड़ी है। कई देशों के खिलाफ इस देश की जीत हुई और कई देशों के खिलाफ इनको हार का सामना भी करना पड़ा। साल 2008 इस देश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसी साल ये देश खुद को सर्बिया से आजाद हुआ है और अपना एक अलग देश बनाया है। 17 फरवरी 2008 को सर्बिया से ये आजादी तो पा ली, लेकिन आज भी दुनिया के हर देश ने इसको मान्यता नहीं दी है। जी हाँ, बड़े बड़े देशों की बात करें तो रूस, सर्बिया और यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने इसे देश की तौर पर मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि 110 देशों ने अब तक कोसोवो को एक देश के रूप में मान्यता दे दी है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही मेहनत कर रही है जिससे कि सारे देशों का सपोर्ट इनको मिल सके और इनका देश भी आगे बढ़ सके। आज भी करीब कोसोवो को 90 देशों से मान्यता प्राप्त करनी है और इन देशों में भारत भी शामिल है। अगर कोसोवो की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो अल्बानियन और सर्बियन देश ऑफिशियल लैंग्वेज है। देश में सबसे ज्यादा आपको अल्बेनियन, तुर्क्स, रोम के लोग मिलेंगे, इसलिए जब भी आप इस देश में घूमने जाओगे तो आपको वहाँ के सारे लोग टूरिस्ट ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की भाषा बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश में आप यहाँ के लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। कोसोवो इस समय बहुत यंग देश है, क्योंकि यहाँ की औसत उम्र अभी 30 साल है। ऐसे में देखा जाए तो इस देश की आर्थिक स्थिति बहुत ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं के देश होने के कारण यहाँ लोगों की काम करने की ताकत और जज्बा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश की वर्तमान में आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। यहाँ के 40% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और इस पर देश को गंभीरता से काम करना है। वैसे वहाँ की सरकार ने इससे बाहर निकलने के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं बनाई है। देश की आय का मुख्य स्रोत है नेचुरल रिसोर्सेज। ये देश अपने यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करता है। इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा साउथ अमेरिकन देशों में किया जाता है। भले ही कोसोवो एक गरीब देश है, फिर भी यहाँ के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय भारत के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय से 2.5 गुना ज्यादा है। दोस्तों, इस देश के लोग आपको ज्यादातर पशुपालन और खेती करते हुए ही देखने को मिलेंगे। देश के गाँव एरिया में रहने वाले आधे से ज्यादा लोग इसी काम से ही अपने परिवार का गुजारा करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा की खेती की जाती है। और बात अगर पशुपालन की जाए तो यहाँ के लोग गाय और मुर्गी पालते हैं। आपको यहाँ बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म और डायरी फार्म देखने को मिल जाएंगे। कोसोवो के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये बड़े गुस्से वाले लोग होते हैं और यहाँ के लोग बात बात में लड़ाई करते हैं। ये लोग गुस्सा कब और किस बात पर हो जाए ये बताना बहुत ही मुश्किल है। इस देश में बाहर से आए पर्यटक को भी कभी कभी इनके गुस्से का शिकार होना पड़ता है। शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि इसी वजह से बाकी के देश इससे दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हजार बुराइयों के बाद भी कुछ न कुछ अच्छाई तो होती ही है। कोसोवो का भी कुछ ऐसा ही है। एक बात इनके बारे में बहुत अच्छी है कि ये लोग जरूरत पड़े तो आपकी मदद के लिए अपनी जान भी दे सकेंगे। जी हाँ, कोसोवो के लोग दिल खोलकर आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पर जाना है तो ये लोग खुद आपको वहाँ तक छोड़ कर आएंगे। अगर आपके पास रहने का घर नहीं है तो भी आपको यहाँ पर ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आपको अपने घर में अपने साथ रहने भी दे सकते हैं। इन सब बातों से क्या आपको नहीं लगता कि ये लोग गुस्से वाले जरूर है,
लेकिन दिल के साफ है। दोस्तों, कोसोवो की सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दा है यहाँ की नागरिकता। अगर आप कोसोवो में हैं और आप वहाँ के नागरिक नहीं हैं, तो आपके पैदा होने वाले बच्चे को भी कोसोवो के नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को तभी कोसोवो की नागरिकता मिलती है जब उनके माता पिता कोसोवो के नागरिक हों। कोसोवो के लोगों के बीच रेड टी पीना बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये लोग दूध वाली चाय पीना पसंद नहीं करते। रेड टी में ये लोग बहुत सारी हर्ब्स का इस्तेमाल करके ये चाय बनाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। वहीं अगर आप पीने के शौकीन हैं, तो आपने कभी ना कभी वाइन जरूर पी होगी। कोसोवो में रेड वाइन और व्हाइट वाइन का निर्माण सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ के लोग इस वाइन को रात में डिनर के बाद पीना पसंद करते हैं। इस देश के हर घर में आपको कम से कम एक वाइन की बोतल तो मिल ही जाएगी। अगर आप कोसोवो के किसी भी घर में जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ के लोग आपको वाइन ही ऑफर करेंगे। खाने पीने की बात चल रही है, तो लगे हाथ ये भी बता दें कि कोसोवो के लोगों के बीच चीज खाना बहुत ही पॉपुलर है। ये लोग बिना चीज के कोई भी खाना नहीं खाते। इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन चीज के बिना नहीं। ये लोग सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम चीज खाते हैं। यहाँ डेयरी फार्म की संख्या बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इस देश में चीज की कमी कभी होती भी नहीं है। दोस्तों, कोसोवो को गुफाओं का देश भी कहा जाता है। इस देश में बहुत ज्यादा गुफा देखने को मिलेंगे। इनमें से कई गुफा ऐसी है जहां आज तक कोई नहीं जा पाया है। ये गुफा रहस्यों से भरी हुई है, क्योंकि इन गुफाओं में क्या है क्या नहीं, ये किसी को भी नहीं पता। चूना पत्थर के गुफा इस देश के कई हिस्सों में पाई जाती है। यहां पर एक गुफा है जो चूना पत्थर से बनी है, और इस गुफा का नाम है द मार्बल केव, जो इस देश की फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। कोसोवो देश ने शुरू से ही गुलामी देखी है, इसलिए यहां के लोगों की सोच भी गुलामी की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें ऑटोमन एम्पायर ने 500 साल से ज्यादा राज किया है। ये 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक इस देश को अपने कब्जे में रख चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस देश का नाम कोसोवो कैसे पड़ा? आखिर कोसोवो शब्द का मतलब क्या होता है? दरअसल सर्बिया में इस शब्द का मतलब होता है फील्ड ऑफ ब्लैकबर्ड्स। मजेदार बात तो ये है कि जब कोसोवो को सर्बिया से आजाद ही होना था, तो सर्बिया के द्वारा किया गया नाम आज भी ये लोग यूज कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है, ये देश अभी पूरी तरह से युवा है, इसलिए यहां के बच्चे भी बहुत स्मार्ट है। आजादी से पहले यहां की एजुकेशन रेट बहुत ही खराब थी, लेकिन आजादी के बाद से एजुकेशन के प्रति यहाँ की सरकार और बच्चे के माँ बाप बहुत ही गंभीर हैं। आज की तारीख में यहाँ के 100% बच्चे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल जाते हैं, और बाद में हायर एजुकेशन के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं। इस देश के लोगों के बीच में संगीत बहुत ही पॉपुलर है। कोसोवो में जब आप जाओगे, तो सबसे कॉमन सी बात आपको यहाँ के यंग जनरेशन कानों में हेडफोन लगाए सड़कों पर घूमते हुए देखने को मिल जाएंगे। पूरे मस्ती में ये लोग म्यूजिक को एंजॉय करते हुए टहलते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं, यहाँ टहलते हुए कोई एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि पैदल चलने वालों के लिए यहाँ एक अलग लाइन बनी हुई है। यहाँ के लोगों का मानना है कि संगीत के बिना उनका जीवन अधूरा है। लोग यहाँ संगीत के अलावा पार्टी के बहुत शौकीन होते हैं, तभी तो यहाँ के लोगों को पार्टी एनिमल कहा जाता है। ये लोग छुट्टी मिलते ही खूब पार्टी करने लगते हैं, कहीं भी डीजे लगाकर लाउड म्यूजिक में पार्टी शुरू कर देते हैं। अगर आप कभी इस देश में जाएंगे, तो आपको वीकेंड में पार्क, रोड, स्पोर्ट्स ग्राउंड कहीं पे भी यहाँ के लोग पार्टी करते हुए मिल जाएंगे। एक और बात इस देश में जो इसको दूसरे देशों से अलग बनाती है, और वो है यहाँ के लोगों की आंखें। कोसोवो के लोगों में एक खासियत होती है कि ये आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें कर जाते हैं। लोगों के बीच एक अजीब बात होती है कि ये लोग बात बात पर आंख मारते हैं। दोस्तों, 2020 से या उसके बाद जब से कोरोना ने अपना पांव पूरे विश्व में फैला दिए हैं, उसके बाद से ही दुनिया के तमाम देशों ने हैंडशेक करना बंद कर दिया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोसोवो में पहले से ही हैंडशेक करने की प्रथा नहीं थी। यहां के लोगों के बीच हाथ बंद करके एक दूसरे को मुट्ठी से ग्रीट किया जाता था। वैसे हमारे देश में भी हैंडशेक की प्रथा नहीं है। हमारे यहां के लोग एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस, और कोसोवो में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो आपको वीजा लगभग 4 से 5 हफ्ते के अंदर ही मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप अकेले हैं, तो आपको रवांडा घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 75,000 रुपए खर्च करने होंगे। कोसोवो की करेंसी है यूरो, जिसकी वैल्यू लगभग 85 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये था हरियाली से भरपूर देश कोसोवो। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको कोसोवो की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। क्या कभी आप गए हैं कोसोवो? और अगर गए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।